हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है फिर से नीर फोटो आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आज कल आज मैं इस स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ कल एक भाई साहब ने मुझे कहा था कि इस स्क्रिप्ट पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाइए तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये स्क्रिप्ट कैसे काम करता है कैसे मैन्यूअल आप एल्बम डिज़ाइनिंग कर सकते हो ओके मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चलो मैं यहाँ पे एक पी ओपन करता हूँ ओके तो यहाँ पे मैंने एक पी ओपन कर ली अब किसी भी पी में आप काम कर सकते हो ओके देखो यहाँ पे एक पी है सभी लेयर डिफरेंस है ओके यहाँ पे मैं कुछ इमेज भी ओपन कर लेता हूँ कैसे मैन्यूअल काम किया जाता है ओके यहाँ पे मैंने पी ले ली हाँ uh, पी ले ली बाद में हम यहाँ पे जे ले रहे हैं ओके यहाँ पे मैंने जे इमेज ले ली दो अभी आप पूछो कि मैन्यूअल आम मैन्यूअल काम कैसे किया जाता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिल एंड नॉर्मल रास्टराइज फिल तो आप न, uh, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी फिल कर सकते हो और नॉर्मल रास्टराइज में भी फिल कर सकते हो uh, जैसे कि समझिए कि मैं अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज फिल करना चाहता हूँ तो मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर चेक करना है चेक मार्क करना है ओके यहाँ पर मैंने चेक मार्क कर दिया फिर यहाँ पर देखिए ये मूव बटन है यहाँ से आप पहला बटन ये मूव बटन है आप इमेज को मूव कर सकते हो मतलब दूसरी इमेज पे जा सकते हो ओके इन दो बटनों का यही काम है कुछ और नहीं है आप इमेज से यहाँ से यहाँ जा सकते हो ओके इन दो बटनों का यही काम है और फर्स्ट स्टेप ये है कि ये यहाँ पे लिखा है कॉपी इमेज एंड क्लोज इमेज समझे ये लिखा है कॉपी इमेज एंड क्लोज इमेज मतलब ये इस इमेज को कॉपी करेगा और इसे क्लोज करेगा ओके तो इस बटन का काम ये है और ये इस बटन की और एक खासियत है कि इस बटन को बटन का उपयोग तभी किया जाता है जब इन दो बटन यानी कि सिलेक्ट लेयर ऑन इमेज फिल यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एरिया एंड इमेज फिल ओके तो इन दो बटनों का उपयोग करने से पहले इस बटन को दबाना कंपलसरी है ओके okay? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले ये इस बटन पे मैंने क्लिक किया कॉपी इमेज देखो इमेज क्लोज हो गया अभी मैं जा रहा हूँ पी एच डी पे यहाँ से ही मैं पी एच डी पर गया यहाँ पे एक लेयर सिलेक्ट है मैं हाँ मैं चाहूँ जिस चाहूँ इमेज जिस चाहूँ जिसे चाहूँ जिस चाहू, उस इम, उस लेयर में मैं इमेज फिल कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया अब यहाँ पे इमेज मुझे फिल करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको देखिए सिलेक्ट लेयर एंड इमेज फिल तो ये यहाँ पे इमेज फिल कर देगा ओके और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल हुआ है देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल हुआ है ओके अभी यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा इस इमेज को कॉपी करूँगा ओके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेक मार्क हटा देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ नॉर्मल ओके और यहाँ पे मैंने किया कॉपी इमेज एंड क्लोज़ तो ये क्लोज़ हो गया अब मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ इमेज फील करूँ तो मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा वापस उसी बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल इमेज फिल हुआ ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ये नॉर्मल इमेज है ओके ओके तो अभी इस बटन के बारे में बताऊंगा। तो चलो हम एक दूसरा इमेज ओपन कर लेते हैं कोई सा भी ओके तो मैंने इस इमेज को ओपन किया ओपन करने के बाद जैसे ही मैं इसे कॉपी एंड क्लोज़ करूँगा ये कॉपी हो गया अब मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पर फिल करूँ ओके तो ये नॉर्मल है ओके तो यहाँ पे नहीं मैं यहाँ पे कोई एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके जैसे कि मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया ओके तो ऐसे एरिया सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एरिया एंड इमेज फील्ड ओके तो देखिए जिस जगह पे मैंने एरिया सिलेक्ट किया था उस जगह पे इमेज फील हो गई ओके फ्रेंड्स तो आप समझ गए होंगे कि इन चारों बटनों का काम क्या है अब आते हैं हम हॉरिजोनटल वर्टिकल इमेज फील पर ओके अब हम ये इस पी को क्लोज कर रहे हैं देखिए इसे मैंने क्लोज़ कर दिया वापस जाएंगे हम और किसी और पी को ओपन कर लेते हैं ओके okay? आप चाहो तो किसी भी पी पे कर सकते हो ओके okay? अब हम हॉरीजेंटल वर्टिकल इमेज फिल करेंगे ओके okay? तो पहले जो फ़ोटो यहाँ पे देखिए कुछ फोटो जो फोटो फिल हुए थे वो फिनिश फोल्डर के अंदर चले गए ओके okay? इसे मैं बाहर ला देता हूँ यहाँ पे ओके okay? तो पहले हमें यहाँ क्या काम करना है सभी लेयरों को सिलेक्ट कर लेना है ओके okay? ओके okay. मैंने यह, यहाँ पे सभी लेयरों को सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इमेज फिल आप जिस आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चाहोगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर सकते हो नॉर्मल राष्ट्र साइज इमेज में फिल करना चाहो तो नॉर्मल में कर सकते हो लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आपकी इमेज क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी है क्या है कि आपकी पी की साइज़ बहुत बड़ी बन जाएगी मतलब जी में एम में बन सकती है तो मतलब मैक्सिमम बनेगी और रास्ट राइड में बहुत कम रहती है इसकी साइज ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हॉरीजोंटल वर्टिकल फिल तो यहाँ पे हमने कितने लेयर सिलेक्ट किए थे देखिए अगर आप ज़्यादा भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा इमेज सिलेक्ट करोगे लेयर लेयर जो लेयर सिलेक्ट किए उससे ज़्यादा इमेज सिलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वो इमेज फिनिश फोल्डर में भी नहीं जाएगी और पी में भी नहीं जाएगी ओके तो चलो हम फिर से लेयर स्टार्ट कर सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं और किनते हैं हमने कितने लेयर सिलेक्ट किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवन ओके ग्यारह लेयर हमने सिलेक्ट की है ग्यारह में से तीन खड़े हैं और बाकी आड़े हैं. ओके okay? तो हमें कितने इमेज सिलेक्ट करने हैं ग्यारह तीन खड़े होने चाहिए और बाकी सब नौ आड़े होने चाहिए तो यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग ओपन होगा आपको यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है आप डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे फोल्डर रखा हुआ है देखिए हम जेपीजी में जाएंगे हमें ग्यारह इमेज सिलेक्ट करनी है वन टू थ्री हमने तीन उप... बड़ी इमेज ले ली खड़ी इमेज ले ली अब नौ आड़ी लेनी है एक दो तीन चार पाँच पाँच छः सात आठ और नौ ओके तो हमने ग्यारह इमेज सिलेक्ट कर ली जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे बारह हो गई है देखो ज़्यादा मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है कहीं पे मैंने गलती की है लेकिन दिक्कत कोई भी नहीं है ओके जो लेयर के हिसाब से होगा वही फील होगा और ज़्यादा फील नहीं होगा ओके देखिए प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे मैंने नॉर्मल रखा था देखिए एक एक करके इमेज फील हो रही है और आप ध्यान रखिए देखिए ध्यान से जो खड़ा लेयर है उसमें खड़ा ही इमेज जाएगा और जो अड़ा ही इमेज जाएगा समझे तो इस तरीके से काम करता ही है स्क्रिप्ट देखिए यहां पे सभी इमेज फील हो रहे हैं एक एक करके ओके ओके फ्रेंड्स तो आप ये इस बटन के बारे में भी जान गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या काम करता है हॉरिजॉन्टल लेयर में हॉरिजॉन्टल इमेज फील होगा वर्टिकल लेयर में वर्टिकल इमेज फील होगा बाद में आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से ओके okay? किसी भी इमेज को बाद में आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो और अभी हम इस सीरियल वाइज़ नंबर पे सीरियल वाइज नंबर इमेज फील में जाएंगे और उस पर काम करेंगे इसे इस पी को क्लोज करते हैं हम वापस किसी पी को इसी पी को ही ले, ले लेते हैं वापस ओके हम वापस आ गए अब की बार हमें गिनना नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कौन, कौन सा है और वर्टिकल कौन सा है हम सीरियल वाइज इमेज फील करना चाहते हैं तो हम फिर से गिनना नहीं है मतलब आपको हॉरीजोंडल वर्टिकल नहीं गिनना है ओनली फॉर लेयर सिलेक्ट करने हैं कितने लेयर सिलेक्ट किए वही गिनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह यह इस बार हमने ग्यारह किए इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देखने की कोई कोई भी ज़रूरत नहीं है हम वापस जाएंगे ओके यहाँ से सीरियल वाइज इमेज पे क्लिक करेंगे देखिए वापस वैसा ही डायलॉग आएगा ओके तो इस बार हम इसी इमेज को ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो ओके यहाँ पे मैंने 11 इमेज सिलेक्ट कर लिए हैं देखिए 11 ही है और अब की बार क्या होगा कि यहाँ से इमेज फील होना स्टार्ट होगा इस लेयर से दूसरा ये होगा तीसरा ये होगा इस तरीके से और लास्ट में यहाँ पे फिल होगा ओके तो हम स्टार्ट करते हैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा कराऊँ देखिए और यहाँ पर भी मैंने नॉर्मल रखा है क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बहुत देर लगती है फिल होने में ओके इसीलिए मैंने नॉर्मल इमेज रखा है देखिए एक एक करके इमेज फील हो रहे हैं इस बात सीरियल वाइज होगा यहाँ पे आप देखने वाली बात यह पहला इमेज यहाँ पे फील हुआ दूसरा यहाँ पे फील हुआ और तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस वाइज हो रहा है जैसे इमेज थी नंबर वाइज उसी तरीके से फील होंगे मतलब एक एक करके इमेज फील होगी ओके देखिए एकदम सीक्वेंसली होगा जैसे नंबर होते हैं उसी तरीके से होगा आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपका कौन सा फोटो कहाँ पे था ओके अपने आप वो सीक्वेंसली सेट हो जाएगा ओके अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए इसे आप स्वैप भी कर सकते हो मतलब इस इमेज को मुझे यहाँ पे लाना है और इस इमेज को मुझे यहाँ पे लाना है तो इन दोनों इमेजों को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे स्वैप का बटन दिया हुआ है तो आप स्वैप कर सकते हो देखिए चेंज हो गया ओके और एक मैं बड़ी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन है मूव इमेज टू नॉर्मल लेयर इसकी खासियत ये है कि देखिए यहाँ से मैंने लेयर को रिमूव कर दिया और यहाँ पे देखिए ये लेयर खाली है ओके okay? तो इस लेयर को सिलेक्ट करिए और इस ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करिए जैसे ही आप मूव बटन पे क्लिक करोगे तो ये इमेज यहाँ पे चला जाएगा एक स्वैप जैसा ही है लेकिन स्वैप में क्या रहता है दो इमेज होने चाहिए यहाँ पे सिंगल है मतलब आप इस इमेज को खाली लेयर में भी ले जा सकते हो समझे इस तरीके से देखिए इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर मूव का ऑप्शन दिया तो देखिए यहाँ पर चला जाएगा ओके ओके okay फ्रेंड अब मैं इस पी को क्लोज़ करता हूँ और एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ आपको दोबारा ओके okay? तो चलिए मैं उसी पी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये लास्ट वाले बटन की क्या खासियत है ओके okay? तो पहले मैं दिखा देता हूँ ये चार लेयर एक साथ है आ, अलग अलग है मैं इसे मर्ज कर देता हूँ तो मतलब ये एक ही लेयर हो गया ओके okay? आप समझ लीजिए एक ही लेयर है अब तो यहाँ पे ऐसे कई पी में ऐसे लेयर रहते हैं कई पी में ऐसे लेयर रहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है टू सिलेक्ट लेयर सिलेक्टेड लेयर मतलब जो जो लेयर आपने सिलेक्ट किया है जैसे मल्टी दिख रहे हैं लेकिन वो सिंगल लेयर ही है तो उसे स्क्लिप्ट करने के लिए ये बटन है तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये स्कलिप्ट हो जाएंगे और सभी लेयर वापस अलग अलग हो जाएंगे देखिए ओके मैंने उसे सिंगल लेयर बना दिया था लेकिन इस बटन पर क्लिक करने से ये वापस अलग हुए हो गए तो आपकी पी में भी ऐसे लेयर होंगे जिससे आप इस बटन से आप उसे स्किलिप कर सकते हो तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जानकर और एक बात बताना भूल गया जैसे ही आप चेकमार्क करोगे यहाँ पे, तो ये सभी बटन उसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ही फील करेंगे और नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो ये सभी बटन नॉर्मल से ही फील करेंगे इसकी यही खासियत है इन दो बटनों की ओके तो अभी थैंक यू आपको वीडियो कैसा लगा आपको ये स्क्रिप्ट कैसी लगी रिप्लाई जरूर करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये स्क्रिप्ट सभी के लिए फ्री है सबको दीजिए सबको जितने हो सके उतने फोटोग्राफरों को दीजिए क्योंकि वो अपना एल्बम डिज़ाइनिंग खुद से कर सके और अपना पैसा बचा सके क्योंकि सॉफ़्टवेयर बहुत महंगे रहते हैं और वो सिंगल पी के लिए रहते हैं मैंने यहाँ पे मल्टी पी आप जितना चाहो कर सकते हो आप सिंगल इमेज भी फील कर सकते हो मल्टी इमेज भी फील कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो ये मैनुअल एल्बम डिजाइनिंग स्क्रिप्ट है इसीलिए मैंने इसे मैनुअल एल्बम डिजाइनर लग करके उसका नाम रखा है ओके तो चलो थैंक यू बाय